तो आज का सीधा प्रसारण आप देख सकते हैं इन खूबसूरत वादियों से। आप मेरे पीछे देख सकते हो कितनी खूबसूरत वादियाँ हैं। तो आज के व्लॉग को हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए कमाल के व्लॉग में। आज हम आए हैं ग्रामीण मंदिर है एक यहाँ पर, जो कि बहुत पुराना है, लोगों की साई जुड़ी हुई है। तो आज हम यहाँ आए हैं और अभी आपको दिखाते हैं मंदिर, क्योंकि आज यहाँ पर भंडारे का आयोजन है तो हमें इन्वाइट करा गया था। तो चलिए आपको आगे दूसरा मंदिर दिखाते हैं। पहले आप ये मंदिर देखिए, बहुत पुराना मंदिर है। तो पहाड़ों की आपको एक खास बात बताता हूँ, जितनी जगह में पहाड़ों में लोग रहते हैं वहाँ जगह जगह मंदिर है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, हर पहाड़ में कोई ना कोई मंदिर है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, एक मंदिर, दूसरा मंदिर ये है, और भी कहीं। अब जहाँ पर जिस मंदिर में हमारे के एक मंदिर ये है, और मोस्टली जो जहाँ लोग आते हैं, नीम करौली बाबा का मंदिर एक ये है। एक आप देखिए, इस पहाड़ पर आपको बीच में दिख रहा होगा मंदिर, और इस पहाड़ के पीछे एक मंदिर है। एक बार फिर से अंशुमन भाई हमारे साथ व्लॉग में, क्योंकि इनका गांव यहीं पर है और बाकी भाई लोग नीचे मंदिर में, मम्मी लोग सब आ रखे। तो ये है यहाँ पे का टॉप पॉइंट, इधर उधर आप देख सकते हो पहाड़ी पहाड़, बीच में यहाँ पर मंदिर। तो जिस मंदिर को मैंने अभी आपको दिखाया, ये है नागराजा का मंदिर, और जो नीचे पहले मैंने आपको मंदिर दिखाया था वो देवी माता का मंदिर। कौन सी देवी? जोरना देवी माता, जोरना देवी माता का मंदिर। तो नीचे मंदिर में भी चल रहा है हवन, तो चलते हैं फटाफट हवन में। उसके बाद आज भंडारे का आयोजन भी है, उसके बाद आपको ले जाया जाएगा भंडारे में। मंदिर में चल रहा है हवन, और शुभम भाई पहली बार हमारे ब्लॉग में। नमस्कार देवी और सज्जनों, देवी और सज्जनों। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी भगवान के मंदिर होते हैं वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर होते हैं। उसका शायद मतलब मेरे हिसाब से ये कारण हो सकता है कि भगवान चाहते हैं कि कम से कम भक्त जन इतनी मेहनत करें, और जगह जगह लोग गाड़ी लेके पहुंच जाते हैं, या आज के टाइम पे बहुत जगह अलग अलग चीज़ें सुविधाएँ हैं, रूप वे है, हेलीकॉप्टर है, बट कहीं कहीं अभी भी ऐसा है कि जहाँ आपको पैदल जाना पड़ता है। तो भगवान की शायद ये वो हो कि कम से कम मेरे दर पर जब आ रहा है तो वो पैदल आए, चल के थोड़ी मेहनत करके भगवान के पास तक आए। तो वैसे तो प्रोग्राम ये होने वाला था कि मंदिर में भंडारा यहीं पर होने वाला था, ऊपर वाले जो मंदिर है वहीं पर भंडारा होने वाला था, बट यहाँ पर मौसम ऐसा है कि शायद कभी भी बारिश हो सकती है, और पहाड़ों में ऐसा कभी भी क्लाइमेट चेंज हो जाता है, कभी भी बारिश हो जाती है। तो इस वजह से जो हमारे अंशुमन भाई हैं उनके घर में भंडारे का आयोजन किया गया है। तो अभी यहाँ से काफ़ी पैदल जाए नीचे जाने को, उसके बाद गाड़ी लेके जाएंगे अंशुमन भाई के। बाकी ये है कि बैकग्राउंड में भजन बज रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि कॉपीराइट क्लेम ना आए, बट ये है कि कॉपीराइट क्लेम आ भी जाएगा तो देखते हैं क्या करते हैं, बट कॉपीराइट क्लेम ना आए तो ज़्यादा अच्छा है। ये है सामने दोस्तों, आप ये जो देख रहे हैं ये रोड है, सुमन भाई का घर देख सकते हो आप, ये वाला है। तो यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया गया है, तो सीधा वहीं निकलते हैं, तो फटाफट सीधे मिलते हैं आपको भंडारे में। पहुँच चुके हैं हम यहाँ पे भंडारे वाली जगह में, देख सकते हो आप भीड़ अभी पहली पंगत नहीं लगी। और यहाँ पे संजीव भाई हमारे निकाल रहे हैं कड़ी पकौड़ा। अंशुमन भाई हमारे बांट रहे हैं पल्लव, पहली पंगत हमारी बैठ चुकी है। ये गाँव का पल्लव, वो बता रहा हूँ तुम्हारे भर का लेकर भैया। अरे यार तुम मुझे भी लेके आइए भैया। मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ कि एक के बाद एक काम देते जा रहे हो? नहीं, वो कोई नहीं है काम।